एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग इंडियन ब्लॉग अंकिता में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बच्चे लोग हाई कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। वो सुबह सुबह का टाइम है, दोनों तैयार हो गए हैं और अभी हो रहा है 7:30 हो रहा है। थोड़ी देर में इनकी वैन आने वाली थी तो मैंने इनको थोड़ा सा सूट कर लिया और बस अब ये जाने ही वाले हैं। और सवेरे का नहाना क्लीनिंग ये सब हो चुका है, बच्चे चले गए हैं स्कूल। तो ये सब देखिए, बच्चों के जाने के बाद किचन की कुछ इसी तरह से हालत होती है। चाय सवेरे मैंने नहीं पी पाई थी क्योंकि पूजा नहीं किया था मैंने, तो बस अब पूजा वगैरह हो गई। बच्चों के लिए फटाक से नहाकर खाना टिफ़िन वगैरह बना देती हूँ मैं और इसके बाद ही पूजा कर पाती हूँ, क्योंकि फिर बच्चों को जाना रहता तो उन्हें जाना पहले ज़रूरी है। तो बच्चे चले गए हैं स्कूल और अब मैं अपने लिए बनाऊंगी ब्रेकफास्ट। तो जो चाय बची थी तो उसको मैंने गर्म करने रख दिया है और दूध भी आ गया था तब भी गर्म कर दिया है। और ये बचा है कल का चावल ये बचा है, तो इसको मैं कर लूँगी बढ़िया फ्राई। तो ये मेरे लिए हो जाएगा और उधर आएगा 1 बजे और उधर आएगा 3 बजे, तो फिर मैं गर्मा गर्म उनके आने पर अच्छा वो बना लूँगी, लंच उनके आग बनाऊंगी। तो मैं फटाफट से अच्छा बहुत ही स्पाइसी, क्योंकि बच्चों के कारण स्पाइसी बना नहीं पाती हूँ, तो अच्छा स्पाइसी चावल कर लेती हूँ फटाफट से। तो उसको मैं तैयारी कर लेती हूँ और मेरा चाय नाश्ता हो जाएगा रेडी। और फिर उसके बाद मुझे कपड़ों की घड़ी लगानी है, जो शाम को कल कपड़े धोकर डाले थे उसकी घड़ी नहीं लगी है, तो उसकी घड़ी में लगाना है। झाड़ू पोछा हो गया है, बाकी सब काम हो गया है और बस बर्तनों को क्लीन कर लेना है। तो फटाफट से कर लेती हूँ क्योंकि टाइम हो गया है 10 और 10 बज चुके हैं। वैसे ज़्यादा टाइम नहीं है पर फटाफट से कर लेते हैं, तो फिर रुद्र के आने के पहले खाना वाना बना लूँगी मैं, क्योंकि फिर वो भी आ जाएगा स्कूल से, तो मैं जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ। चावल तलने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं डाल रही हूँ, केवल प्याज टमाटर और मिर्च। इस तरह से बनाने से बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत सारी सब्जी डाल देने से ना तले चावल का स्वाद ही चला जाता है, वो लगता ही नहीं कि तला चावल खा रहे हैं। और फ्राइड राइस अलग चीज़ है और सब चीज़ अलग अलग प्रकार से बनती है, तो मैं इस तरह से ही चावल तल रही हूँ। और अगर आप भी सारी सब्जियाँ बनाकर बनाते हैं तो इस तरह से भी एक बार बनाकर देखिएगा, बहुत ही गजब का स्वाद आता है। चाय भी अच्छी तरह से गर्म हो गई है तो उसे मैं छान ले रही हूँ और अब बस मैं चावल को फ्राई कर लेती हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल है। तेल को मैंने चढ़ा दिया है और मैंने जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी है और खड़े मसाले का डिब्बा मैंने अलग बनाया है और जो डेली वेयर का मसाले का डिब्बा वो अलग बना लिया है। तो बस सिंपल सा मिर्च और प्याज को मैंने फ्राई कर लेना है गोल्डन होने तक, और टमाटर काट लेंगे और टमाटर काट कर टमाटर डाल देंगे और कुछ नहीं डालना है मुझे। टमाटर को धो लेते हैं अच्छी तरह से, और एक टमाटर ख़राब था उसे मैंने साइड में कर दिया। और इसके बाद मैं सारे किचन की क्लीनिंग करूँगी क्योंकि किचन थोड़ा सा मैसी हो जाता है सुबेरे सुबेरे, बच्चों के जाने के टाइम पे बहुत जल्दी जल्दी काम होता है, तो सारी चीज़ों को अलग करके बच्चों का काम करना पड़ता है पहले, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। और रुद्र मेरा छोटा है तो अभी उसको थोड़ा सा प्यार से वो करना पड़ता है, ध्रुव तो समझदार है तो अपना कर लेता है। तो बच्चों के जाने के बाद बहुत सूना सूना लगता है, लेकिन उनके रहते रहते मैं सारा काम क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि फिर उनके आने के टाइम पे मैं सारा टाइम उनको दे सकूँ इसलिए, और थोड़ा सा हम लोग को भी तो आराम करना रहता है। सुबह से 6 बजे, 5:30, 6 बजे मैं उठ जाती हूँ। तो देखिए प्याज हल्की सी भुन चुकी है और अब मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर, तो टमाटर अच्छी तरह से गल जाएंगे और इसके बाद ही मैं चावल वगैरह हल्दी नमक सब ऐड करूँगी। चावल बढ़िया फ्राई हो रहा है और अभी चावल बनाते बनाते गमले वाली आ गई थी, तो मैं गमला लेने चली गई थी, तो मैंने 2 गमले लिए हैं, 100 के 2। 150 बोले थी कुछ, 100 के 2 जग में 100 के 2। और सब्जी वाली सब्जी लेकर आए हैं नीचे से, तो वो तो पत्र ही हो रही हैं। और ये सब्जियां लेकर आए हैं, ये सब्जी लेकर आए हैं,
और यहाँ लाइट जलानी पड़ती है तभी दिखता है। लाइट जला लेती हूँ। सब्जी है, धनिया है, टमाटर है, ये बीन्स लेकर आई है, अदरक। अदरक तो बहुत महंगा है, 40 रुपए पाव तो मैं 20 रुपए का लेकर आई हूँ। और टमाटर, टमाटर कितने लाल लाल, और ये 2 मूलियाँ लेकर आई हूँ। और गमला लेकर आई हूँ दो, ये 2 गमले। तो 2 गमले लेकर आए हैं। चावल को तल लेते हैं। और बच्चे लोग स्कूल चले जाते हैं तो फिर उसके बाद तो कोई काम ही नहीं होता है, और बस ये चावल चल रहा है। और कल मैंने बनाया था जैतरा केक, तो आज बच्चों के टिफिन में मैंने जैसा केक रखा था, और ये जो छोटे छोटे मोल्ड है ना, ये लेकर आई थी ये। तो इसमें से इन दोनों को रुद्र को रखा मैंने, और ये बड़ा वाला ध्रुप को रखा मैंने। और बच्चों के साथ पार्टी होगी, और बच्चों के लिए पूरी सब्जी मैंने रख दिया था, तो बच्चों की एक पूरी रह गई है, ये एक पूरी रह गई है, इसको मैं खा लूँगी। और इसी मैंने बनाया है दही, ये दही है, इसको हम जल्दी से फिनिश कर लेते हैं। चावल को अच्छी तरह से भून लेंगे और 10 मिनट के अंदर ये बन जाता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। और इतना सारा चावल बच गया था तो ये मेरे लिए पर्याप्त हो गया था, और बच्चों के लिए कुछ भी पराठा या कुछ भी बना दूंगी जो भी वो कहेंगे। ये देखने में जितना सुंदर लग रहा है, खाने में उतना ही टेस्टी था और बहुत ही अच्छा लगता है। फ्राइड राइस तो हमारे घर में बनता ही रहता है, क्योंकि चावल का यही ऑप्शन है, फ्राई कर लो, और अलग अलग वेरिएशन में हम फ्राई कर लेते हैं। तो अच्छी तरह से ये फ्राई हो चुका है। जिस बाउल में मैंने चावल रखा था उसी में ले लेती हूँ, और बाकी का मैं बाद में देख लूँगी, क्योंकि इतना सारा एक बार में तो ना खबेगा। तो इसको रख देती हूँ ढककर बाद के लिए। और अब मैं इंजॉय कर रही हूँ मेरा ब्रेकफास्ट, और जो ये पूड़ी है ना, इसको मैं सैंडविच जैसा बना लूँगी, तो ये भी हो जाएगी, क्योंकि फिर सॉस बस में ना अच्छी लगेगी, इसलिए इसमें मैंने ये लगा के और इसको ले लूँगी। और आप लोग भी खा लीजिए मेरे साथ। आज का ब्लॉग यहीं तक, और आज का ब्लॉग बहुत ही छोटा सा बनाया था मैंने। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।